I think it's already out in the public domain how back when Kalank was conceptualized, I think Shahrukh was supposed to do the role. Were you aware when you were signing the film? And did you ever speak to Shahrukh, perhaps how he wanted to approach the role and how you wanted to approach it? Komal sir has loved this question. I can hear him laughing till here. Honestly, I never spoke to him how I should approach the role, but I was obviously very aware that Shahrukh sir and the other star cast that was supposed to do this film. At that time, Karan was supposed to direct this film. Mr. Yash Johar was producing it. And this has been a long time for this thing. And after that, Karan had left this film because his father passed away and then he didn't want to revisit the story at that time. But unke dil ke bahut kareeb thi. And जब उन्होंने अभिषेक वर्मन को ये स्टोरी सुनाया था पहली बार मैं और अभिषेक एक्चुअली रूममेट्स होते थे ड्यूरिंग माय नेम इज खान सो आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम एक्चुअली जब अभिषेक ने स्टोरी सुनी थी एंड ही हैड कम एंड टोल्ड मी यू नो करण ने मुझे ऐसा कुछ स्टोरी वॉरी बोला था एट दैट टाइम किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि अभिषेक कभी ये डायरेक्ट करेंगे मैं कभी एक्ट करूँगा इसमें पर आई एक्चुअली मेट शाहरुख सर कपल ऑफ आई थिंक अ वीक बैक एंड उन्होंने ट्रेलर देखा था उस वक्त एंड आई आस्क्ड हिम कि आपको टीजर देखा था उस वक्त एंड आई आस्क्ड हिम कि आपको टीजर के बारे में क्या लगा एंड ही हैड सम गुड थिंग्स टू से अबाउट दैट और वो काफ़ी खुश थे आई सेड कि मैंने वो सूरमा वूरमा भी लगाया सर क्या लग रहा है आपको सो ही स्माइल्ड एट मी आई थिंक ही सेइंग गुड यू आर वर्किंग हार्ड एंड डूइंग दीज आर रोल्स दैट विल गेट यू क्लोजर टू द ऑडियंस तो उतना ही बोला था तो वरुण डायनामिक लव बीइंग डायनामिक एंड देर इज़ अ डायलॉग जो बोलता है गुस्से में लिया डिसीजन सब कुछ बर्बाद कर देता है निजी जीवन में ऐसा कुछ हुआ होगा गुस्से में कभी आपने कोई डिसीजन लिया है जो आपकी जिंदगी को बर्बादी की तरफ लेके गया है वरुण की लाइन तो एक्चुअली मेरे गुस्से में लिए गए एक फैसले ने हम सब आपने कभी कोई फैसला लिया है जिसने मतलब आपके घर पे लोगों को इफेक्ट किया है आपके बिल्ली को बहन को या किसी को मतलब कुछ ठेस पहुंची है उनको कभी मुझे तो नहीं लगता डिसीजन के वजह से मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने ऐसा कुछ डिसीजन लिया है क्योंकि सबकी जिंदगी बर्बाद हुई हो बट ऑब्वियसली समटाइम्स यू मेक सम डिसीजंस इन एंगर जो आप बाद में रिग्रेट करते हो और वो तो सबके साथ होता है बट आई डोंट थिंक आई हैव रुइंड एनीबॉडीज लाइफ बिकॉज़ ऑफ इट वी डोंट नो या आई एम टेलिंग यू आई कांट से ना मुझे क्या पता कोई बेचारा लड़का किसी को ठेस पहुंची हुई कोई दूसरे मेरी बोली है बंदूक की गोली कीप क्वाइट वरुण नाजायज रिश्ते के बारे में थोड़ा सा इलाज नाजायज रिश्तों के बारे में आप बात करना चाहते हैं वरुण इधर इधर हाँ अभी मैम टाइम बाद मिली हो थोड़ा सा इलैबोरेट करो क्या किसके बारे में अबाउट नाजायज रिश्ता हाँ एज इन अफेयर्स अफेयर्स चीटिंग मजा आ रहा है आपको नहीं मैम माधुरी मैम का डायलॉग है और लगता है कि आपका कुछ नाजायज रिश्ता है उसमें रिश्ता किसके साथ आलिया रील रील पे रील पे रील पे रियल में नहीं नहीं तो मार खा जाओगे बाहर नहीं मार वार की बात नहीं है I think जिस तरीके से फिल्म में दिखाया है I'll let you all explore that on 17th April. But अगर आप real life में नाजायज रिश्तों के बारे में बात करिए तो I think आदित्य बेटर आंसर देगा What? Why, bro? He's thrown you under the bus. I have nothing to say on this topic. Let's keep it to film questions, please. Varun, Justin, Varun, Justin, you're from PTI Varun. Towards your left here. फिल्म एंड डिड यू एवर स्पीक टू शाहरुख परहैप्स हाउ ही वांटेड टू अप्रोच द रोल एंड हाउ यू वांटेड टू अप्रोच इट कोमल सर हैज लव्ड दिस क्वेश्चन आई कैन हियर हिम लाफिंग टिल हियर Honestly, I never spoke to him how I should approach the role, but I was obviously very aware that Shahrukh sir and the other star cast that was supposed to do this film. At that time, Karan was supposed to direct this film. Mr. Yash Johar was producing it. And this has been a long time for this thing. And after that, Karan had left this film because his father passed away. And then he didn't want to revisit the story at that time. But his heart was very close. एंड जब उन्होंने अभिषेक वर्मन को ये स्टोरी सुनाया था पहली बार मैं और अभिषेक एक्चुअली रूममेट्स होते थे ड्यूरिंग माय नेम इज खान सो आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम एक्चुअली जब अभिषेक ने स्टोरी सुनी थी
And he had come and told me, you know, Karan ne mujhe aisa kuch story wari bola tha. At that time, kisi ne imagine nahi kiya tha ki Abhishek kabhi ye direct karege, main kabhi act karuga isme. But I actually met Shahrukh sir a couple of, I think a week back. And unhone trailer dekha tha us waqt. And I asked him ki aapko... Teaser dekha tha us waqt. And I asked him ki aapko teaser ke baare mein kya laga. And he had some good things to say about that. Aur wo kafi khush the. I said ki maine wo surma vurma bhi lagaya hai sir, kya lag raha hai aapko? So he smiled at me. I think he's saying, good, you're working hard and doing these roles. These are roles that will get you closer to the audience. To utna hi bola tha. So Varun, you're to your right. Over here. What's up? Yeah. Hi, Russell here from Movified. So recently there's a report that come where you said that Zafar... They all are starting the questions. Mere ko sachi mein laga koi police ne kuch report di hai kuch. Okay, an article, a story. Fictitious story. Yeah. No, it has come the way you have said. You have said that Zafar is the physically and mentally the toughest character you have played. You've also played a very dark character in Badlapur, and you played a character in Sui Daga where you had to take an accent and all is different. So how does this character Zafar become more physically and mentally tougher than those characters? Actually, Zafar ke zindagi mein jo ghatnaye ghatti hai, everything that he has to go through while growing up in his life forms the person he is, like most people are. तो एक तरीके से क्योंकि ये पीरियड फिल्म है मैं हमेशा सोचता था कि मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा इस फिल्म के साथ यू नो हाउ विल आई आइडेंटिफाई बट जो हमारे डायरेक्टर है अभिषेक वो रोज एक्चुअली मैं 2 घंटे उनके साथ बस जफर के बारे में बात अबाउट हिज चाइल्डहुड मैं बस उनको प्रश्न पूछता रहता था कि यार ये बचपन में क्या हुआ होगा व्हाट मस्ट हैव हैपेंड कि यार ये इंसान ऐसे बनता जाता है और हर चीज़ मतलब कुछ भी हो जाए उसके जिंदगी में ही विल ऑलवेज कम आउट विद अ स्मोक एक थोड़ा सा एरोगेंस है इस कैरेक्टर में जो मैंने शायद अब तक नहीं निभाया है एन एरोगेंट कैरेक्टर तो थोड़ा सा एक एरोगेंस है इस कैरेक्टर में बट उसे लगता है कि हक है उसे एरोगेंट रहने का और लोग रहते हैं ऐसे जिंदगी में लास्ट टू क्वेश्चंस हाय सोनाक्षी हाय आदित्य दिस इज उर्वी हाय सोनाक्षी हाय आदित्य दिस इज उर्वी आदित्य देयर इज अ सीन इन द फिल्म वेयर Apparently, you actually got drunk so that you could enact that scene better. It's in my contract now. Method acting. You have to always get drunk. Yeah, I've played a few now. It's been a few. Yeah. So you were saying? So if you could tell us something about that scene and how was it? Well, I haven't seen the trailer. So that was a scene that we did together. Because he was late. That no? Where we screamed. So you want to know if I got drunk or I didn't get drunk? How did you manage? How did I prepare for it? Despite being drunk, let me put despite it that way. Despite being drunk, she's saying you were drunk. you were supposed to act. Drunk. I was supposed to act drunk. So you were drunk. So I was drunk. So you acted drunk. Exactly. But you didn't act. You were drunk. Yeah. That's what you're saying. Very confusing. hi, Sonakshi. I also have a question for Madhuri, ma'am. Hi. Ma'am, Alia and Varun had danced on your recreated number Tamma Tamma. In fact, even Sanju sir was there. And when that video had come out, everybody was waiting when y'all three would come together and then eventually all four. Now that you all four have come together, how was the experience of working? Wonderful. I think it was fate. Fate was reckoning ki ye hone wala hai. Ek din hum charo kaam karne wale ek saath. Kyunki Tamma Tamma se jo shuruaat hui, वो शायद इसमें कल्मिनेट हुई और बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके बहुत होनहार एक्टर्स हैं आलिया वरुण आदित्य सोनाक्षी खेमू एंड ऑफ कोर्स संजय सर मुझे ये नहीं मैं माधुरी बोला बट आप लोग यू आर वर्किंग आफ्टर 22 इयर्स मुझे पता नहीं कि आप लोग सर और मैम क्यों बोलते हो अभी Respect, you know. Respect. नहीं मैं भी बहुत respect करता हूँ. We have been over this on the same stage. Yeah. Why you? So anyway, so it was fun. और दो characters जो हैं इसमें बहुत ही उलझे हुए हैं, right? Everybody has their own story. They सबकी एक अलग अलग कहानियाँ हैं, back stories हैं. और जैसे वरुण ने कहा, that is what determines who they are. उनकी जो experiences रहे हैं, उसकी वजह से वो बने हैं. और कैसे पूरे lives हमारे सबके इंटरट्वाइंड है एक साथ मिले हुए हैं तो दैट इज व्हाट इट इज ओके लास्ट क्वेश्चन मधु फ्रॉम बीबीसी हिंदी यहां पे आपके सामने सीधा सोनाक्षी हियर
लेफ्ट राइट 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 हाँ जी मैम बोलिए बोलिए मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से हमने अभी ट्रेलर देखा और आपका किरदार काफी अलग लग रहा है जैसे कि हमने पहले की फिल्मों में आपको काफी चुलबुले अंदाज में देखा है बट यहाँ पे हम आपको देख रहे हैं काफी सीरियस और बहुत कम डायलॉग तो कुछ आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे आई थिंक दिस ये मेरे करियर का एक बहुत ही स्पेशल किरदार रहा है जिस तरह की औरत सत्या है शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग शी इज़ वेरी सैक्रिफाइसिंग वो हमेशा अपने फैमिली को बांध के रखना चाहती है एंड हमेशा उनका भला अपने से पहले देखती है सो आई थिंक इट्स यू नो इट्स इट टेक्स रियल स्ट्रेंथ टू पोर्ट्रे अ वुमन ऑफ दैट कैरेक्टर ऑन स्क्रीन एज वेल एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा when it came to Satya and it's definitely one of the most special characters of my entire career okay नहीं बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं वो बिल्कुल उस उससे इंस्पायर्ड नहीं है और कुछ ताल्लुकात नहीं है इनफैक्ट वो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सीन्स है फिल्म में शूट करते वक्त आदित्य मैं और आलिया बहुत वक्त बिताया हम लोगों ने उस सीन को शूट करते वक्त आलिया नहीं चाहती कि मैं कुछ ज्यादा बोलूं ना इस बारे में हाँ नहीं हम बोलेंगे पर अभी आई जस्ट हाँ It's a थोड़ा 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 अभी नहीं, अभी नहीं। थोड़ा बोलेंगे थोड़ा नहीं बोलेंगे और ये बोल दिया कि वो बहुत वेरी सिग्निफिकेंट बहुत ही डिफिकल्ट था और नो रिक्रिएशन नथिंग बेसिकली स्टोरीज में बहुत ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स है व्हिच वी वांट यू ऑल टू एंजॉय अगर आपको अभी से पता चल जाएगा ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खोल दिया है स्टोरी इसमें बट बहुत सारी चीजें जिसके बारे में अभी भी आपको नहीं पता है